सेल चल रहा है और सेल में कार्ड पर रहता है बहुत सारा ऑफर। तो इस वीडियो में हम जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। अब देखिए ये जो क्रेडिट कार्ड है इसके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो छाप के रखे हैं, जैसे कि जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है इस पर क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है, कार्ड आने के बाद कैसे एक्टिवेट करना है, पिन कैसे जनरेट करना है और कितना हमारा कटने वाला है, अबे साले चार्जेस, इन सारे वीडियो का लिंक ना आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस साइड आई बटन में मिल जाएगा। अब देखिए ये जो कार्ड है ना इसके बारे में हम पहले भी एक बार बता चुके हैं कि कैसे अप्लाई करना है और विद प्रूफ, लेकिन ये जो वीडियो है ना इसमें हम आपको बताएंगे कैश क्रो एप्लीकेशन के थ्रू कैसे अप्लाई करना है। कहने का मतलब भैया जी कि अगर हम कैश क्रो एप्लीकेशन का यूज करके और फिर अप्लाई करते हैं तो फिर हमको 400 रुपया कैश बैक मिल जाता है जिसको हम डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। हम समझ रहे हैं आपके मन में क्या चल रहा है, अरे भैया प्रमोशन वाला है क्या? नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमको ऑफर आया और कैश क्रो एप्लीकेशन जो है ना हम कभी खोलते हैं कभी नहीं खोलते हैं कभी खोलते हैं कभी नहीं खोलते हैं, तो हमारा खोलना नहीं खोलना ये जो था शायद कंपनी को लगा कि बहुत छेड़छाड़ कर रहा है, चलो इसको फंसाते हैं थोड़ा लालच उलझ देते हैं, तो हमको लालच दिया और फंस गए, पैसा ही पैसा हो गया। अब जब फंस गए तो आगे का जो विधि विधान है ना अप्लाई करने का जो प्रोसेस है मतलब कैश क्रो एप्लीकेशन के थ्रू आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक लिंक दिए हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इंस्टॉल वाला, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इंस्टॉल और डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपको कैश क्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे ना तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड आपको दिखेगा, नीचे में लॉगिन और साइन अप वाला ऑप्शन दिखेगा, क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ना यहाँ पे कहेगा कि आप नंबर चूज कीजिए, जो नंबर आपके मोबाइल में पहले से होगा उसको डिटेक्ट कर लेगा ये ऑटोमेटिक, तो आप वो नंबर से भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, या फिर अगर आप कोई दूसरा नंबर से अकाउंट बनाना चाहते हैं तो नीचे यूज अनदर मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे और फिर आपको अपना वो नंबर एंटर करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे फोन में जो नंबर डाला हुआ है ना उसी से अकाउंट बनाएंगे, तो यूज फलाना नंबर जो है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे कहेगा आप अपना पूरा नाम एंटर कीजिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपके आधार कार्ड पर नाम है ना पूरा पूरी वो नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। नाम एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे फिर आपको कहेगा कि देखो भैया ईमेल आईडी जो है उसको भी डाल दो, तो ईमेल आईडी को भी आपको यहाँ पे डाल देना है फॉर एडिशनल सिक्योरिटी। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद बढ़िया सा पासवर्ड जो है ना वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे ना तो मेन पेज जो कैश करो वाला है वो खुल के आ जाएगा। ऊपर में ही आपको दिख रहा होगा टोटल अर्निंग, जो भी कैशबैक आपको मिलेगा वो ऊपर में एकदम छप के आ जाएगा। अब आपको ना सबसे नीचे में ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च, क्लिक कर दीजिए उस पर। क्लिक करने के बाद ऊपर में आप सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। जैसे ही सर्च करेंगे ना तो बहुत सारा आपको रिजल्ट सामने में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि जितना अभी हमको यहाँ पे दिख रहा है इतना आपको भी दिखे, ये डिपेंड करता है ऑफर टू ऑफर पे। तो अभी ना बहुत तगड़ा वाला ऑफर चल रहा है इसलिए देख रहे हैं, साथ साथ वो सर्च वाला ऑप्शन में आ गया है। अब पहला वाला में दिखा रहा है कि 250 रुपया आपको कैशबैक रिवार्ड मिलेगा अगर आपका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड वाला जो फॉर्म आप भरेंगे वो एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगा तभी आपको ये कैशबैक मिलेगा, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो कैशबैक नहीं मिलेगा। उसके बगल वाला में देखिए 250 रुपया तो दिए रहा है जो कि फ्लैट आपको कैशबैक मिलेगा और 250 रुपया ऊपर से बोनस रिवार्ड। यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है अर्न फ्लैट 400 रुपीज कैश करो रिवार्ड ऑन अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, तो हम नीचे सी डिटेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाला पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट रिवार्ड भैया वहां पे हमको दबाना है, समझे ना, मतलब क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले जो नीचे बेनिफिट दिया गया है ना उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐसे हम आपको पहले बता दिए हैं कि बेनिफिट के ऊपर हम विस्तार से वीडियो बनाएं जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर बेसिक चीज का बात किया जाए ना तो 5% का आपको कैशबैक मिलेगा ऑन फ्लिपकार्ट एंड मंत्रा, यानी फ्लिपकार्ट और मंत्रा पे अगर आप शॉपिंग करते हैं इस कार्ड से तो 5% का कैशबैक जो है वो मिलेगा। 4% का कैशबैक आपका यहाँ पे जो भी इनका पार्टनर है तो उन पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके कुछ भी खरीदते हैं तो 4% का आपको कैशबैक मिलता है। प्लस 20% ऑफ ऑन डिनाइंग, यानी भैया कहीं भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं खाने पीने के लिए तो वहां पे इस कार्ड का यूज अगर आप करते हैं तो 20% का आपको ऑफ मिल जाएगा। इस तरह से आपको बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पे दिखेगा। और हाँ, इस कार्ड के लिए ना आपको चार्ज भी देना पड़ता है जो कि 500 रुपया प्लस GST, जो कि हम अपने अगले के वीडियो में बताए हैं विद प्रूफ के साथ।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा, आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाला पॉपअप खुल जाएगा, तो आपको एलाउ पर क्लिक कर देना है और फिर नीचे में आपको दिखता है अप्लाई नाउ वाला बटन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो फिर आपको कहेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, फिर आपके उस नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। अगर डिटेक्ट नहीं होता है तो आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। इनके टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर आपको टिक मार्क मतलब क्लिक करना पड़ेगा, एंड देन नीचे वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, ऊपर में बड़का बड़का लिखा हुआ आ जाएगा, एक्सीलेंट मोबाइल वेरीफाइड। फिर आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा आपसे रिलेटेड कुछ डिटेल, जैसे कि आपका पूरा नाम क्या है, पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भरना जरूरी है। जिन जिन में लाल वाला स्टार बना हुआ है तो वो कंपलसरी है उसे भरना। तो यहाँ पे हम सारा चीज भर दिए और नीचे में डेट ऑफ बर्थ भी आपको डालना पड़ेगा। फिर इनके टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको क्लिक करना होगा और फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन वाला पॉपअप खुल के आ जाएगा। स्लाइड करके आपको पढ़ लेना है एंड देन नीचे एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ आ गया वेरीफाइड। अब यहाँ पे आपसे कहेगा कि आप चूज कीजिए अपना प्रोफेशन। तो अगर आपका सैलरी बेसिस है तो आप सैलरी वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। हम यहाँ पे चूज किए हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। और फिर अब आपको पूछ रहा है कि आपका मंथली इनकम कितना है। तो यहाँ पे हम अपना मंथली इनकम ना 30,000 रुपये डाले हैं। जरूरी नहीं है कि आप भी इतना ही छाप दीजिएगा, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टारगेट होता है कि जो आपका एनुअल इनकम है वो 3.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 30,000 रुपये सामने में डाले हैं, लेकिन फिर बाद में हम इसको बदल देंगे, समझे ना। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। इनकम डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टेप फॉलो करना है। तो ये जो है हमारा पहला स्टेप है, जिसमें कुछ डिटेल जो है हम पहले भर चुके थे और कुछ डिटेल जो बचा हुआ है वो आपको भरना है। जैसे कि आपके माता जी का नाम क्या है वो आपको एंटर करना है, एजुकेशन जो है वो आपको एंटर करना है, आप शादीशुदा हैं या फिर सिंगल हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, इंडियन है या फिर नहीं है तो वो चीज़ आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये सारा डिटेल आपको सोच समझ के भर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे स्टेप 2 में, और स्टेप 2 में आपको फिल आउट करना पड़ेगा अपना प्रेजेंट एड्रेस और ऑफिस एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है जो कि आधार कार्ड पे मेंशन है, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल आउट करना पड़ेगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड डाले हैं तो आपका जो बिजनेस, जहाँ पे आपका बिजनेस है, जहाँ से आप ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ का भी एड्रेस आपको यहाँ पे फिल आउट करना पड़ेगा। अब नीचे में आपको एड्रेस चूज करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे लिखा हुआ है प्रीफर कम्युनिकेशन एड्रेस। जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको चूज करना है। तो जो मेरा प्रेजेंट एड्रेस है वही एड्रेस मेरा सही है, जहाँ पे अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव वगैरह आता है वेरिफिकेशन के लिए, तो भैया हम यहाँ पे होंगे प्रेजेंट, तो आपसे हमारा वार्तालाप जो है इसी एड्रेस पे हो पाएगा। इनके कहने का मतलब ये है। तो ये चीज़ हमने चूज कर लिया है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका स्टेप 2 कम्प्लीट हो जाएगा और अब आपके सामने आ जाएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको फिल आउट करना पड़ेगा, यानी आपका बिजनेस क्या है, आपका इनकम क्या है, यानी बिजनेस इनकम क्या है, ऑनरशिप टाइप क्या है, बिजनेस नेचर क्या है। तो ये सारी चीज आपको फिल आउट करने पड़ेंगे। तो बिजनेस नेम में हम डाल दिए सेलर, क्योंकि मोबाइल शॉप वगैरह का जो है एक दुकान है हमारे बगल में, क्योंकि पार्टनरशिप में है, तो हम यहाँ पे सेलर वाला ऑप्शन टाइप कर दिए। उसके बाद है बिजनेस इनकम, तो बिजनेस इनकम में हम बिजनेस इनकम ही रहने देंगे। उसके बाद है ऑनरशिप टाइप, तो यहाँ पे हम डालेंगे पार्टनरशिप, जैसे कि हम आपको बताया कि पार्टनरशिप में हमारा चल रहा है काम। बिजनेस नेचर में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको अपने बिजनेस के अनुसार जो है वो चूज कर लेना है कि आपका कौन सा बिजनेस है या फिर किस कैटेगरी में आपका बिजनेस आता है। देखिए, जो सैलरी वाला होता है ना, तो उसमें क्या है कि पता है भैया कि हम जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे सीधा आपको किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वो सब चीज़ आपको डालने के लिए कहेगा। लेकिन जब आप सेल्फ एम्प्लॉय चूज करते हैं तो ये सारा चीज़ आपको डालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपके कार्ड पर क्या नाम होना चाहिए। जो आप अपने कार्ड पर नाम रखना चाहते हैं वो नाम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद इनके टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक मार्क करना है और फिर नीचे में आपको जो ललका वाला बटन दिखाई दे रहा है ना,
सब्सक्राइब वाला नहीं, सबमिट वाला। अब देखिए सब्सक्राइब वाला भी देखिए लिए हैं तो उसको भी दाब दीजिए, जरूरी है। जैसे ही सबमिट करेंगे ना तो आपके नंबर पे भेजा जाएगा एक ओटीपी, ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, अगर नहीं करता है तो मैनुअली इंटर करना पड़ेगा और फिर नीचे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से वगैरह जो है लिखा हुआ आ जाएगा, यानी जो आपका एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। और फिर जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगा तो फिर आपको 400 रुपया जो कैशबैक आपको मिलने वाला है वो आपको मिल जाएगा। बाकी एक चीज हम और आपको बता देते हैं, जब भी ऑफर वगैरह चल रहे होते हैं ना तो वहाँ पे आपको एक वेलकम बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें आपको 1000 रुपया का मतलब कुछ बोनस जो है वो स्टार्टिंग में मिलता है आपके फर्स्ट शॉपिंग पे। तो ये चीज जब आप एक्सिस बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको वेलकम बेनिफिट में ये चीज मेंशन होता है। और कभी कभी आपको फ्लिपकार्ट पर भी ये चीज दिख जाता है, मतलब वहां से भी अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उस पर हम वीडियो छाप रखे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका मन है कि आप यहाँ से नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों से अप्लाई करने का सेम प्रोसेस है, दोनों जगह पे आपका जो फॉर्म है वो फिल होता है, जैसे यहाँ पे फिल हुआ है उसी तरह से वहाँ भी फिल होगा, और फिर वहाँ पे भी आपका अप्रूवल होने के बाद ही सारा प्रोसेस आगे होगा, जिस तरह से यहाँ पे अप्रूवल होने के बाद हुआ। बट जो अलग से कैशबैक यहाँ पे 400 रुपया आपको मिलने वाला है वो आपको वहाँ पर नहीं मिलता है अगर हम फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं, वो भी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का यूज करके। तो देखिए हम सारा प्रोसेस आपको बता दिए कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो ये कैशबैक हमको मिलता है ना, मतलब 400 रुपया का जैसे हमको ऑफर में मिला, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको भी 400 रुपया मिले। ऐसे नॉर्मली जो है 250 रुपया जो है वो वहाँ पे हमेशा अवेलेबल होता है। और ये जो 250 रुपया है ना, ये आपका डायरेक्टली बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाता है, पहले वॉलेट में आएगा कैश फ्लो और फिर आप उसको बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि वो 400 रुपया, 500 रुपया, 300 रुपया इस तरह से कैशबैक वाला ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। अब नीचे में जो लिंक दिए हैं उस पर क्लिक करके जब आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद हो सकता है कि आपको 250 रुपया जो कि मिलेगा ही मिलेगा कैशबैक अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड यहाँ से अप्लाई करते हैं तो, या फिर इससे ज्यादा भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके नसीब पर। और हाँ, जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर मन में चल रहा है ना कि फी चार्जेस कितना है, क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे बिलिंग साइकिल, कैसे एक्टिवेट, तो ये सारा वीडियो का लिंक ना समझ गया ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिलहाल ये वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। हाँ मतलब ऐसे चले जाएंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ना वो तो एकदम याद से दबाइएगा भैया, क्योंकि वो नहीं दबाएंगे तो हमारा जो कल का वीडियो है आने वाला पता चलेगा कौन सा है।